स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ टूडे इज वर्ब वी हैव लर्न डेट वर्ब इज द एक्शन वर्ड एक्शन को डिस्क्राइब करता है एक्शन को तो डिस्क्राइब करता है बट इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ अवर स्पीच टेल्स अबाउट द एक्शन टेल्स अबाउट द स्टेट स्टेट ऑफ एक्शन इट टेल्स अबाउट सम काइंड ऑफ अक्रेंसिस स्टेट ऑफ बींग कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग क्यों ये हमारी स्पीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सम टाइम आप ये सुनेंगे कि इसको आप कह सकते हैं कि यह स्पीच या हमारे एक सेंटेंस का ब्रेन है दिमाग है दिमाग भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मोस्ट इंटेग्रल पार्ट इसेंशियल पार्ट बट आई से डैट इट इज़ द बैकबोन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कुछ स्टूडेंट्स को ज़रूर यह ख्याल आएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड में हमारे ईच एंड एवरी सेंटेंस शुड कंटेन सम काइंड ऑफ एक्शन कि हमारी हर बात या हर सेंटेंस में कुछ एक्शन नहीं होंगे इट इज़ नॉट नेसेसरी तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल ठीक है ये ख्याल आ सकता है कि हमारी हर बात में हमारे हर सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्शन पाया जाए लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताऊँगी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं है उसमें भी किस तरह से हम एक्शन को फाइंड करते हैं और वर्ब की क्या इंपॉर्टेंस है ये अभी हम एग्ज़ैम्पल्स के साथ देखते हैं और उसको समझते हैं कि वर्ब अगर कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं है तो भी वर्ब हमारी किसी स्टेट ऑफ एक्शन को शो करता है स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है किस तरह

दिस इज अंगल वर्ड अब आप ये देखें कि ये एक सिंगल वर्ड है रन क्या आप इससे कुछ समझ सकते हैं आपको हो सकता है कोई प्रिकॉशंस दी जा रही हो कि कहीं खतरा है तो आपको एक आवाज आती है कि रन भागो हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज अ अम्पलीट सेंटेंस ये सेंटेंस नहीं है यह सेंटेंस की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता बट ये देखें यह आपको एक कम्प्लीट मैसेज दे रहा है ये एक कन्वे करता है आपको एक मैसेज एक इंस्ट्रक्शन एक प्रिकॉशंस आपको ये ऑर्डर दिया जा सकता है इंस्ट्रक्शन है ये कोई इंडिकेशन हो सकती है जैसे कि बहुत से प्लेयर हैं और ये एक लाइन में ठहरे हुए हैं एक साउंड है विसल की या एक ऑर्डर है रन दे स्टार्ट रनिंग अब

Okay, look at the sentence the cat is dead. It is interesting. No action is here. What is the action here? No action. We are telling cat is dead. But I tell you that action is here. वी आर टेलिंग स्टेट ऑफ बी आप बता रहे हैं एक स्टेट को स्टेट ऑफ बियड एंड एक्शन इज हेयर वर्ब इज हेयर यहाँ पे वर्ब है और न सिर्फ ये उसकी स्टेट को बता रहा है बल्कि ये उसके टेंस को भी बता रहा है कि इज शो करता है प्रेजेंट टेंस को इज डेड अगर ये पास्ट में बताया जाता है तो लिखा जाता है द कैट वॉज डेड तो इस तरह से आप देखें कि ये वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमें ना सिर्फ मीनिंग और स्टेट को

वॉज टायर्ड में थका हुआ था अपेन्टली वी कैन सी डेट नो एक्शन इज हेयर वी आर टेलिंग अबाउट अवर स्टेट वी आर टेलिंग अबाउट दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब ये इंपॉर्टेंस है वर्ब की यह हमें टेंस का भी बताता है कि किस वक्त थे प्रेजेंट में थे या पास्ट में थे आइए ये आगे देखते हैं वर्ब के कुछ और कमालत वर्ब डिस्क्राइब मूल टोन एंड इंटेंशन किस तरह से शो करता है देखिए Dog is a faithful animal. But it describes an idea, it describes a fact. Wash the dishes. What is the verb? Wash. Now, this sentence shows the order. Here the verb is indicating the mood of the sentence. The place of verb shows that this is an instruction, this is an order. In this way, we can say that it is verb that tell us about the mood of the sentence. Do you like swimming? अब यहां आप देख सकते हैं कि यह वर्ब है जो हमें यह शो करता है कि इट इज अ क्वेश्चन सेंटेंस का मूड को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प मिलती है वर्ब से इफ यू वॉन्ट टू लीव यू कैन आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं कंडीशन आपकी इंटेंशन सेकेंड पर्सन की विश ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट्स द वर्ब अब आप देख सकते हैं कि ये वर्ब ही है जो हमें हेल्प आउट करते हैं सेंटेंस की टोन उनका मूड उनका इंटेंशन और टेंस को फाइंड आउट करने में कि वर्ब से ही हम ये तमाम चीजों को आइडिया लेते हैं कि व्हाट इज़ द टेंस कि ये प्रेजेंट की बात है पास्ट या फ्यूचर की व्हाट इज द मूड व्हाट इज द टोन ये कौन सी चीज हमें ये तमाम चीजें बताती है तो ये वर्ब है वर्ब हमें इन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प देता है वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ द ऑफ वर्ब्स फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वर्ब्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर का बट द पर्पज ऑफ दिज सेंटेंस वॉज टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ब इन तमाम सेंटेंसिस का पर्पज़ ये था कि हम वर्ग की इंपॉर्टेंस को समझ सकें आइडिया ले सकें हर रोल है वर्क का क्या रोल प्ले करता है वर्क वर्ग सिर्फ एक एक्शन एक वर्ड नहीं है सिर्फ एक्शन को ही डिस्क्राइब नहीं करता इवन दो डेट आर इन आवर माइंड कुछ हमारे फिजिकल एक्शन हैं कुछ हमारे मेंटल एक्शन हैं

फार्म ऑफ वर्ब्स टेल लास्ट अबाउट द्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आइए देखते हैं वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स हैं और ये हमें क्या बताती हैं आमतौर पे हम ये जानते हैं कि देर आर थ्री वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट याद रखिएगा जिसे प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहा जाता है और अब मॉडर्न लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनेट इज रिप्लेस्ड विद सिंपल प्रेजेंट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इन फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इन सिंपल प्रेजेंट ये एक ही फॉर्म के नाम है दिस वर्ब जो कि अपनी बेस फॉर्म में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन देयर कम्स सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द फर्स्ट फॉर्म देयर इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद डेफिनेटली uh, फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म ही आएगी सेकंड फॉर्म को हम जानते हैं सिंपल पास्ट के नाम से याद रखिएगा सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनेट दीज आर द नेम्स ऑफ दिस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म और जो के सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये पास्ट टेंस को शो करती है ये पास्ट इंडेफिनेट के नाम से जानी जाती है और इसको मॉडर्न ग्रामर में सिंपल पास्ट कहा जाता है सिंपल पास्ट Form of the verb. Simple present, first form is called simple present, second form is called simple past or past indefinite. Pa then there comes third form. After the first form, second form, and there comes third form, and in modern grammar, third form of the verb is known as पास्ट पार्टिसिपल पास पार्टिसिपल याद रखें सेकेंड फॉर्म सिम्पल पास थर्ड फॉर्म पास दैन देर इज एन अदर फॉर्म ऑल्सो दर फॉर्म इज आई एन जी फॉर्म ऑफ दर्ब आई एन जी फॉर्म ऑफ दर्ब इज मेड विद एडिंग आई एन जी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी एड किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिवर्ब प्रोगिव बिकॉज इट शोज द एक्शन गोइंग ऑन इन प्रोग्रेस बट इट इज नोन इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल याद रखें सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंपल पास पार्टिसिपल मॉडर्न ग्रामर में फॉर्म ऑफ वर्ब्स को हम इन नाम से जानते हैं और ये ज्यादा क्लियर है इससे पहले हम ये देखें there how many types of verbs are there. तो सबसे पहले यहाँ पे है रेगुलर एंड इनरेगुलर वर्ब्स एंड इन ट्रांटिवर्ब्स एक्जिलरी वर्ब्स मॉडल वर्ब्स फ्रेजल वर्ब्स एंड जेर आर द मेन काइंड टू लर्न लैंग्वेज दीज आर दिन काइंड ऑफ वर्ब वी नीड टू लर्न तो सबसे पहले हम देखते हैं वट आर द रेगुलर वर्ब्स एंड इ वर्ब्स. वर्ब वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. रेगुलर वर्ब्स हम उन वर्ब्स को कहते हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म इज द सेम एंड बाई एडिंग ई के कुछ इन द फर्स्ट फॉर्म के ज़्यादातर ये ई की एडिशन से ही फॉर्म की जाती है जैसे कि स्टॉप 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 स्टेप 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 रीच रीच रीच्ड कुकड फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड एड एडेड एडेड तो स्टॉप में आप देखेंगे स्टॉप अब स्टॉप में फर्स्ट फॉर्म देर इज सिंगल पी बट इन द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म डबल पी देर इज अ वैटर बिफोर अ कंसोनेट एट द एड एंड हो रहा है कॉन्सोनेट लेटर पर और इससे पहले लेटर है तो यहाँ कॉन्सोनेंट को डबल किया जाएगा ये डबल पी में चेंज किया जाएगा, इसी तरह स्टेप को भी चेंज किया गया है सेम सेकेंड और थर्ड फॉर्म आर द सेम एक जैसी हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे किसी सेंटेंस में वेदर इट इज अ सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड बिकॉज दे आर सेम इट इज बिफोर थर्ड फ सिंपल साइक रूल है याद रखें कि अगर ये थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म से पहले हैज हैव याड जरूर है लिखा जाएगा जबकि सेकंड फार्म इसके विदाउट लिखी जा सकती है फर्स्ट फॉर्म इंडिकेट करती है प्रेजेंट टेंस को सेकंड फॉर्म हमेशा पास टेंस में यूज की जाएगी जबकि थर्ड फॉर्म का यूजेज ज्यादा है कि हम अपने अगले लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन यहाँ आपको ये रेगुलर वर्ब का पता होना चाहिए कि रेगुलर वर्ब वो वर्ब्स हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है और ये ई डी की एडिशन से फॉर्म की जाती है